बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है हम देखने वाले जान भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे के पास शेयर करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि गाँव में सुबह सुबह औरतें जो हैं वो कौन कौन से काम करती हैं। नमाज मैंने सुबह पढ़ ली थी, फिर हमने थोड़ी सी क्योंकि वीडियो शूट करनी थी इस वजह से दोबारा हमने लेट के थोड़ी सी वीडियो शॉट की है। तो अभी हम बनाते हैं नाश्ता, और नाश्ता क्योंकि सुबह ठंड इतनी ज्यादा होती है और मैं उठती हूँ सुबह, फिर अनहम भी उठ जाता है और ठंड में ये बाहर खेलता रहता है, तो इस वजह से मैं नाश्ता थोड़ी सी लेट बनाती हूँ जब थोड़ी सी धूप निकल आती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं नाश्ता। अभी हम करते हैं दाल को गरम, तो तवे पे कर लेती हैं क्योंकि शाम को मैं कटोरी में डाल के अलग रख देती हूँ सालन, और सुबह जब मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, और उसके बाद मैं तवे पे डाल देती हूँ ताकि गर्म हो जाए। रोटी मैंने बना ली है, तो अभी दाल को गर्म करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा सुबह का नाश्ता। सर्दी होती है बाहर बहुत ज्यादा, इस वजह से हम अपना चूल्हा जो है मैंने अपना अंदर सेट किया हुआ है ठंड की वजह से, क्योंकि मेरा किचन वगैरह मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल ओपन है, बंद किचन हमारा नहीं है, तो इस वजह से मैंने कमरे में ही सेट किया हुआ है। और ये हमारा छोटा सा कमरा जहाँ पे थोड़ा सा हमने सामान रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कल मैं आप अपने बहन भाइयों को अपना रूम दिखाऊंगी, तो इस वजह से चूल्हा भी मैंने अंदर रखा हुआ है जगह ना होने की वजह से। ये हमारी दाल और रोटी गर्म हो चुकी है, तो अब अभी खिलाते हैं अरहम को। क्योंकि हवा काफ़ी चल रही है और हमने सोचा थोड़ा सा पानी यहाँ पे लगा के, मिट्टी है क्योंकि, तो फिर झाड़ू लगाती हैं। हमने ना पूंछ बनाई हुई है जो पतंग के नीचे बांधते हैं ना पिछली साइड पे, तो इसने काफी बड़ी बड़ी बनाई हुई है। ये जो है प्लस पे लगाएंगे और ये ब्लैक जो है माइनस में लगाएंगे। पिछली दफ़ा मुझसे गलत तारें लग गई थी, मैंने माइनस को प्लस पे लगा दिया, प्लस को माइनस पे लगा दिया, तो सारी रात हम रात अंधेरे में नहीं सोए, मुझे पता नहीं चला था। झाड़ू वगैरह हमने दे दिया है अब हम, क्योंकि हरकतें करते रहता है फिर सारा गंद कर देता है, तो अभी हम धो रहे हैं बर्तन।
काम हमने बाहर से कर लिया है। आपने देखा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी से काम कर रही थी, क्योंकि काफी दोपहर को हम काम शुरू करते हैं स्टार्ट करना, तो ठंड की वजह से गांव में बहुत ज्यादा ठंड होती है, धुंध वगैरह होती है। तकरीबन 10-11 बजे तक तो यहाँ पे इतनी धुंध होती है, बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। तो जब थोड़ी धूप निकलती है तो फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता वगैरह बना के हमने काम वगैरह करके अभी मैंने सोचा बिस्तर वगैरह लपेट लूँ, क्योंकि ठंड थी इस वजह से मैं कमरे का काम शुरू नहीं करती। पहले धूप धूप में बाहर का काम करती हूँ, उसके बाद कमरे का स्टार्ट करती हूँ। गांव में अभी शहरों में हम पंखे चला के सोए होते हैं, और जब उधर मैं शहर जाती हूँ तो यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि हम रजाइयाँ पहन के सोए होते हैं। और वो कहते हैं कि वहां पे गर्मी है, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड होती है, हम तकरीबन पूरा साल ही समझ रहे हैं, पूरा साल हम रजाइयाँ वगैरह पहनते हैं, और हमारी एंड में रजाइयों का सत्यानाश हो जाता है। तो बाज लोग जो शहरों में इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, 3, 4, 5, 6 मंथ तक वो यूज करते हैं, लेकिन हम तो पूरा पूरे 12 महीने ही सर्दियाँ रजाइयाँ वगैरह पहनते हैं, तो वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं। इसके बाद हम कपड़े धुलाई करते हैं, क्योंकि धूप आज निकली हुई अच्छी खासी, कल ठंड इतनी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फिर मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, तो आज मैंने सोचा है कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। अरहम के ज्यादा मोटे कपड़े होते हैं ये वाले, क्योंकि सर्दी में ठंड की वजह से मोटे कपड़े पहनाती हूँ। ये दो दो दिन लग जाते हैं इनको सूखने में। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और दूसरे के पास शेयर करें। आपकी बहन भाइयों के हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम धोते हैं कपड़े और आप चले लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।